go. हेलो बंधुओं, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज मैं लेकर आया हूँ हेडलाइट कंपैरिजन टेस्ट FZ वर्स V3 के साथ पल्सर N160 का। तो जैसा उसकी आंखें कितनी सेक्सी लग रही है, तो DRL की तो नहीं हो पाएगी चेक, बट हाँ फिर भी हम इसकी लो बीम और हाई बीम चेक करेंगे कि दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि किसकी ज़्यादा बेस्ट है। बाकी लुक वाइज तो दोनों ही गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। जब तक ये लॉन्च नहीं हुई थी तब तक वन ऑफ द बेस्ट 160 सेगमेंट की बाइक थी ये। इससे बल्कि लुक किसी बाइक का नहीं, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। अपाचे भी है अपनी जगह, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है। पावर ज़्यादा है उसमें बस, बट इसका उसकी फील अलग ही है। और ये हमारी N160 नहीं आई है, तो इस दोनों का करेंगे कंपैरिजन। तो चलो स्टार्ट करते कंपैरिजन फटाफट से। ये इसकी प्यारी प्यारी आंखें। तो पहले पहले हम देखते हैं FZ की लो बीम कैसी है। तो पहले हम FZ का देखते हैं, लो बीम कैसा है। तो इसके में सीधा चाबी ऑन करते ही चालू हो जाती है। तो अभी आपको दिख रहा होगा इसके फ्लैशर बंद करते हैं। तो FZ की जो नाइट में लो बीम जलती है, ये है FZ V3 की लो बीम। तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक थी। पर अब देखते हैं N150 है ये, बुरा मत मानना, लेकिन जो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, DRL सब वही N160 वाली है। तो इसलिए मैंने ये ली है। तो इसके लिए आप ये मत कहना N250 तो ज़्यादा होगी ना। दोनों N160 250 दोनों के इक्वल हेडलाइट है। तो मैं आपके दिखाता हूँ लो बीम स्टार्ट हो गई, जलती लो बीम भी। ये देखो वाह भाई साहब, ब्राइटनेस देखो, मतलब FZ का तो पता ही नहीं चला नीचे नीचे लो बीम होगी, इसने तो ऊपर तक हाई बीम दिखा दी। वाह कितनी जबरदस्त है, आगे तक पूरा साफ दिखाई दे रहा है। और ये हमारी पल्सर N160 250 की लो बीम, देखो पूरा साफ दिखाई दे रहा है। बंदा अगर नॉर्मल गाड़ी चलाएगा अंधेरे में भी तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ गड्ढे का कैसा पड़ा है। तो काफ़ी अच्छी है। अब हाई बीम दिखाता हूँ मैं, हाई बीम एकदम हाई जा रहा है। ये देखो सामने पेड़ अंधेरा है, देखो ऊपर तक अंधेरा है पेड़, जबरदस्त। मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प होने की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त इसका 160 सेगमेंट में बेस्ट, सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा हेडलाइट है N160 की। इसके आगे सब फेल है। सामने से दिखाता हूँ गाइस, अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो ना, पूरी रेस जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो दिख रही है आगे तक जाती हुई, तो कितना तो पूरा फोकस जा रहा है। प्रोजेक्टर हेड लैम्प होने का बेनिफिट ज़बरदस्त है, मतलब मुझे लगता है MT से भी बेटर हेडलाइट है इसकी। और हमारी FZ15, ये पुराना ही सेटअप, क्या ही बोले, सब कुछ बढ़िया हुआ है गाड़ी में, बस हेडलाइट थोड़ी और बढ़िया मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बाकी ठीक है। तो बंधु आज के लिए बस इतना ही था, आपके लिए लाए थे एक छोटा सा हेडलाइट टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, अगर नहीं करके जाओगे तो तुम्हारा 500 का नोट खो जाएगा, उसके बाद मैं नहीं जानता। तो टाटा बाय बाय, हुकुमामा टाटा, सी यू soon.